नमस्कार आई कृष्णा अष्टमी स्पेशल में हम सब विभिन्न ठाम में जाकर आई जे छै से दर्शन आ ओहिठाम के जे महत्व की छै से जानकारी कराबे के प्रयास कर रहल छी। जेना कि जनकपुर में एकटा एहनो संस्था छै जाहि ठाम दिन राति कृष्ण जी के हरे कृष्णा हरे राम हरे राधा हरे कृष्णा के नारा लगै छै, लेकिन अखन जे छै से एहि के लऽ कऽ विशेष प्रचार प्रसार मंदिर के नहीं होबे सकल छै विभिन्न ठाम में। कनिक कनिक आदमी के मात्र जानकारी छै जेना कि ई ठाम विशेष दूर नहीं जनकपुर उप महानगरपालिका वार्ड नंबर 23 स्थित बिस्पिट्टी पुल के नीचा में जे से स्थान है। ई मंदिर के प्रोजेक्ट ओना आबि चुकल है जे भव्य रूप से एक बनाओल जा, लेकिन अखन एहिठाम हम सब आबि चुकल छी जे एहि संस्था के नाम है नेपाल अंतर्राष्ट्रीय भावना अमृत संघ, जरा इस्कोन छोट में कह सकै छी। एहिठाम हम सब जे छै से एहिठाम आबि कऽ एहिठाम के एकदम मनमोहक दृश्य छै। एहिठाम जेना लागि रहल छै कि एकदम आदमी के वास्तव में ओना कहल जाए तो हम अहाँ एकटा जे छै से कृष्ण जी के स्मरण में कृष्णाष्टमी मनबै छी, लेकिन इस एहिठाम में अयला के बाद में जेना लागि रहल अछि कि राधा कृष्ण वास्तव में एहिठाम छै कि तेहन एकटा अनुभूति भऽ रहल अछि और शांति जेना बुझाइ छै कि प्रतीक लागि रहल छै। एहिठाम एकदम विभिन्न कार्यक्रम जे छै से राखल गेल छै कृष्णाष्टमी के लऽ कऽ, जे एहिठाम एकदम भव्य रूप से जे छै से एहिठाम पंडाल बनल छै, विभिन्न आदमी सब के उपस्थिति छै, एहिठाम धार्मिक से जुड़ल जेना कि हमहूँ एलहुँ देख सकै छी कि अबिते मात्र एहिठाम जे छै से एहिठाम टीका लगा देल गेल आ भव्य रूप से जे छै से कार्यक्रम राखल गेल छै। आ एहिठाम जे छै से एकदम जे पूरे कृष्ण जी के जे छै से लऽ कऽ भजन कीर्तन आ पूरे अखन 12 बजे राति तक चलत। आइ हुनका 12 बजे हुना कहल जाइ छै जे आँखि देल जाइ छै आ जन्म मानल जाइ छै जे 12 बजे हुनका भव्य पूजा विशेष पूजा जे छै से 12 बजे में होयत, लेकिन भजन कीर्तन जे छै से पूरे आइ पूरे दिन सँ भऽ रहल छै। ओना आइ काल्हि आ परसू जाकऽ जे छै से इसके रुकल जेतै, लेकिन एहिठाम के दृश्य एकटा अद्भुत दृश्य छै। देख सकै छी जे एहिठाम एकदम बनाओल गेल छै, हम चाहबै अपने के सहकर्मी अपने के देखाबै जे बनाओल गेल छै एकदम कतेक नीक सँ कठिन कऽ कऽ हाथ सँ एहिठाम पूरे जे छै हुनका 56 मेवा जे कहै छै कृष्ण जी के आगू मे भोग राखल गेल छै। एहिठाम जे छै से हरे कृष्ण हरे राम राधा के जे छै से एकदम गुंजमान भऽ चुकल छै। एहिठाम हमसब एहिठाम के संस्थापक जे छथिन हुनका सबसँ बातचीत करब आ हुनकासँ हमसब जानकारी लऽ रहल छी कतेक साल में एहिठाम आबि कऽ ई मंदिर के ओना ई सब व्यवस्थापन केलखिन आ पूरे हमसब जानकारी लऽ एहिठाम के दृश्य देखायब। तहिना हमरा सबके बीच में जे ई मंदिर के जे छै से अध्यक्ष कहल जाए ई संस्था के कहल जाए तो अखन जै ठाम के अध्यक्ष छथिन हुनका सब बातचीत करब। आपका नाम? पुरुष भूषण दास। आप कहाँ से? जी मैं गोलोक धाम से आया हूँ। कितने साल में यहाँ पर आप लोग ये मंदिर का स्थापना किया? जी अभी पिछले 4 साल पहले हम लोगों ने इसको स्टार्ट किए हैं। जी 4 साल से आप लोग यहाँ पर भजन कीर्तन कृष्ण जी का जो यहाँ पर पूजा पाठ सब कुछ कर रहे हैं? जी हाँ, सनातन धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे हैं हम लोग। यहाँ प्रत्येक सैटरडे यहाँ प्रोग्राम करते हैं जिसमें भजन कीर्तन प्रवचन और जितने भी लोग आते हैं उनको पेट भर के हम लोग बहुत सुस्वादिष्ट कृष्ण प्रसाद खिलाते हैं। जी इस मंदिर का कहाँ से आर्थिक जो आमदनी कहाँ से आ रहा है? अब इतने लोग इसमें कितने लोग रहते हैं अभी? अभी यहाँ लगभग 25 लोग हैं। कहाँ से इन लोगों का जो अभी भोजन अथवा पूजा पाठ में जो खर्च वर्च लग रहे होंगे अथवा जो कोई भी आते हैं उसको भी आप लोग भोजन कराते, तो कहाँ से आर्थिक अवस्था कैसे धांगते आप? इसी समाज के लोग चैरिटी करते हैं। जी जनकपुर और जनकपुर के आसपास के भक्त लोग जो हैं समाज के यहीं के लोग हैं जिन्होंने थोड़े थोड़े चैरिटी करते हैं और उससे हम लोगों का भक्तों का भी बहुत अच्छा से होता है, ठाकुर जी का भी सेवा करते हैं
और हजारों हजार लोगों को अभी हम भोजन कराते हैं। आज कृष्णाष्टमी है, जो कृष्ण जी का जन्म दिन है, तो आप लोग विशेष पूजा पाठ देख रहे हो कि किए हुए हैं, तो खास इसमें आज क्या है? आज अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक भगवान श्री कृष्ण का आविर्भाव दिवस है। भगवान आज के दिन प्रकट हुए हैं। आविर्भाव तिरुभाव तो खैर सामान्य जीव का होता है, लेकिन भगवान का, सॉरी मैंने गलत कहा, आविर्भाव नहीं, भगवान आज के दिन प्रकट हुए हैं। जी प्राकट्य दिवस है। भगवान गीता में कहते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानम सुजाम्यहम परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब जब जहाँ जहाँ भी धर्मों की ग्लानि होती है, पाप की प्रधानता बढ़ने लगती है, तब तब मैं अवतार लेता हूँ। भगवान अवतार लेते हैं, भक्तों को उद्धार करते हैं, दुष्टों की संहार करते हैं और पुनः धर्म की स्थापना के लिए भगवान आज के दिन ही प्रकट हुए हैं। और ऐसे भगवान हर युग युग में आते हैं। तो आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी हम लोग पूरे विश्व में बहुत धूमधाम से मना रहे हैं। तो आपके टीवी के माध्यम से हम आपको प्लस संपूर्ण नेपालवासी और साथ में संपूर्ण संसार को हम ढेर सारे शुभकामना दे रहे हैं कृष्ण जन्माष्टमी। एक बात बताइए आप, जैसे कि मथुरा में कृष्ण जी का जन्म तो भारत में है, मथुरा से आप चिर परिचित हैं, और जब जब धरती पर पाप बढ़े तब तक भगवान के रूप में, मनुष्य के रूप में भगवान आए हुए हैं। तो यहाँ पर आकर के जो कृष्ण जी का जब विभिन्न ठाम में अभी पूजा पाठ चल रहा है, जो पूजा देख करके आपको कैसा लग रहा है कि भगवान कहीं का भी हो लेकिन